अस्सलाम वालेकुम। CS के मॉड्यूल 109। अभी कुछ बच्चे परेशान हैं कि जो मिड टर्म में सिलेबस कम हो गया था, अभी हमने वो किधर से पढ़ना शुरू करना है। तो वो आपने 109 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 108 तक जो मॉड्यूल थे वो मिड टर्म में शामिल थे। क्योंकि टाइम पीरियड शॉर्ट था तो उन्होंने लेक्चर जो है मॉड्यूल वो कम कर दिए थे। अब आपने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है, यानी कि 60% जो आपका पेपर में काउंट होगा वो 109 से ही काउंट होगा। एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे परेशान हैं भी सर, जो मिड टर्म में हमने पढ़ा था क्या वो फाइनल में आएगा? तो इस बात का पता अभी नहीं चलेगा। अभी आप तकरीबन पेपर से कुछ टाइम पहले अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया, तो उसमें उन्होंने वाजह ये बताया होगा भाई 20% मिड टर्म का इंक्लूड होगा। और ये CS 101 ही नहीं, तमाम बुक्स की अनाउंसमेंट इसी तरह आपने रीड करनी है। अगर उसमें ये बताया हुआ उन्होंने कि मिड टर्म का 20% इंक्लूड है, तो इट मीन्स कि जो मिड का आपने दिया उसमें से ज़्यादा 5 नंबरों का या 5 नंबरों का आपको आ जाएगा मिड टर्म में से, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर जो 60% है वो यहीं से आएगा, फाइनल से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 109 और आगे देखते हैं। अभी इसमें वो बोल रहा है इनकोडेड डिजिट्स। अब ये देखो, प्रोग्राम फॉर मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस। अब इसमें जो अंडरलाइन है ना, वो ये भी कर सकता है, वो सीक्वेंस को अंडरलाइन कर सकता है। ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इनकोडेड एज न्यूमेरिक डिजिट, ठीक है? अब इसके अंदर जो न्यूमेरिक डिजिट है वो इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जो MCQs है ये वो बन रहा है। उसके बाद इनकोडिंग सिस्टम इज़ नॉन एज मशीन लैंग्वेज, ये देखो, और वो इसको भी अंडरलाइन कर सकता है। उसके बाद उसने बोला है राइट प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज, ऑफ्टन इज एरर मस्ट बी नॉन एज डीबगिंग। अब वो डीबगिंग को कर सकता है अंडरलाइन, ठीक है? मैं जस्ट आपको ना मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ जितना जल्दी कवर हो सके। इसमें ये एक सम दिया हुआ है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्टिव नेम आर ऑफ्टन कॉल्ड प्रोग्राम, इसको भी प्रोग्राम वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर। इन तीनों में से वो किसी एक को कर सकता है अंडरलाइन, आपको तीन ऑप्शन बना के दे देगा या ऑल ऑफ द गिवन का ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम निमोनिक सिस्टम वाज एस्टेब्लिश प्रोग्राम कॉल्ड असम्बलर, असम्बलर को वो कर सकता है। डिवेल्प टू कन्वर्ट एम निमोनिक एक्सप्रेशन इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी आपका MCQs बन रहा है। उसके बाद ये असम्बली लैंग्वेज, ये आपका MCQs बन रहे हैं। अगर नेक्स्ट आपको इसमें कुछ लगता है करने वाला तो आप वो भी हाईलाइट करना, बाकी मेरे मुताबिक तो खास इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद है इसमें थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन दैट देयर प्रिमिटिव आर बोथ हाई लेवल एंड मशीन इंडिपेंडेंट अर्ली नोन एज फॉर कोबोल, ये छोड़ दो। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट, ये हाईलाइट हुआ होगा, ये आप सारा तो नहीं मैं रीड करूँगा, अब आप साथ साथ ये देखते जाना, ठीक है? ये MCQs ही बन रहे हैं ट्रांसलेटर तक। उसके बाद ये आगे रीड कर लेना, ये कंपाइलर, ये सारे अभी वो MCQs ही बन रहे हैं। कोई क्वेश्चन आएगा तो बीच में मैं बता दूंगा। ये फॉर्मल लैंग्वेज, ये भी MCQs हैं आपके, ठीक है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कॉल मशीन वाज चीप, MCQs है। अब ये कुछ लोग बोलेंगे ये रट्टा लगाए हमसे, रट्टा नहीं लगता, ये है वो है। अब क्या करना है, रट्टा क्या, ये लगाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे आप इसकी MS Word की फाइल बना लो, उसमें लिखते जाओ,
और जैसे मैंने समझाया एमसीक्यूज आपके बन रहे हैं, उस तरह आप ये करते जाओ। ये भी आपका एमसीक्यूज है, ये भी आपके एमसीक्यूज हैं। ये अक्सर आ जाते हैं ये यहाँ से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। द इम्पेरेटिव पैराडिगम इज द डिक्लेरेटिव पैराडिगम, यहाँ तक कर लेना, उसके बाद ये सारा आगे रीड कर लेना। ठीक है, ये भी रीड कर लेना आप। कुछ ये इसमें फॉर्मूले से दिए हैं, करने की ज़रूरत नहीं है इनको। ये स्टैंड फॉर कर लेना ओप की, बाकी आगे देख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देखते रहना, मैं जल्दी जल्दी चला रहा हूँ, क्योंकि जितना जल्दी होगा इसको 15 मिनट के लेक्चर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँगा। ये सारे आपके वो हैं, एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से मॉड्यूल 117, इसमें सारा भी ये वही चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र हुआ है अरे के बारे में। ठीक है, ये अरे क्या होती है, अरे का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास है ना, ये अरे का सिंटैक्स है, याद रखना। ये एमसीक्यूज़ और पेपर में कैसे आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डाटा टाइप है, इसको हम डाटा टाइप बोलते हैं। ये अरे का नाम है और ये अरे का साइज है, ये डबल डायमेंशनल अरे है, याद रखना। ठीक है, डबल, ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने बताया हुआ टू डायमेंशनल टेबल। ठीक है, ये डबल डायमेंशनल अरे है। अब इसमें वो आपको ना पूछ सकते हैं कि अरे का सिंटैक्स क्या है, अरे को किस तरह बनाया जाता है या लिखा जाता है, तो ये याद रख लो अरे का सिंटैक्स है सारा। ठीक है, अगेन बता देता हूँ, ये डाटा टाइप होती है, ये अरे का कोई भी नाम हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, चाहे वो हमारे पास कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो या फिर बी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अरे का नाम आ गया, डाटा टाइप आ गई और ये उसका साइज आ गया। अब इसके अंदर भी वो फिर से आपसे कुछ नया पूछ सकते हैं क्या होता है। अब इसके अंदर क्या आता है हमारे पास, जो ये है ना, इसको ये पहला रो होता है और ये कॉलम होता है अरे के अंदर, याद रखना। बस ये एमसीक्यूज आपका इसमें बनता है। आगे देखते हैं अब हम मजीद, इसमें रीड कर लेना ये, जैसे ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, यहाँ से द प्रॉब्लम यहाँ तक, टू कॉलम्स, ये वही बात कर रहा है, देखो। बाकी रीड कर लेना। अब ये इसमें ये देखो, ये उन्होंने वही चीज़ बनाई हुई है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट एक C++ का कीवर्ड है, चार चार एक डाटा टाइप है, यहाँ पे कोई भी नाम आ जाएगा, ये सिंगल एरे। ठीक है, ये अरे का साइज आ गया 25, फ्लोट, ये इंट, ये भी एक डाटा टाइप है, ये भी एक वेरिएबल। ये जस्ट आपने याद रखने हैं, ताकि कल को वो सिंटैक्स का कुछ भी पूछ ले तो आपको एटलीस्ट पता तो हो ये चीज़ें क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, अब ये भी आपको पता हो, पेपर में एमसीक्यूज में आ सकती हैं। बेसिकली ये असाइन किया हुआ है असाइनमेंट
ये जो इक्वल का साइन नज़र आ रहा है उसने इसको हाईलाइट भी किया है, ये आपकी असाइनमेंट है। अब जैसे लाइक मैं बोल देता हूँ ए हमारे पास कितना है, 10 है, और बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास मान लो 5। अब मैंने क्या किया, ए बी और सी, सी को मैंने असाइन कर दिया, बता दिया भाई सी के अंदर आपने ए प्लस बी इसको स्टोर कर देना है। अब क्या होगा, ये 10 को और ये 5 को प्लस करके इस सी के अंदर स्टोर करा देगा, ठीक है। तो ये जो इक्वल का साइन है, बेसिकली ये इक्वल का साइन है ये वाला, इसको हम असाइनमेंट बोलते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कंडीशन, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं या कंडीशन स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। बेसिकली जो इफ एल्स की होती है ना, वो कंडीशन या कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब ये पेपर में कैसे आएंगी या एमसीक्यूज किस तरह से आएगा, अभी वो आपको मैं बता देता हूँ। इफ या इफ स्टेटमेंट रन वरना एल्स। अब ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे होगा। फर्ज कर लो हमारे पास ए है, ए हमारे पास है जी 10, और एक बी है, गलत हो गया थोड़ा सा, एक बी है हमारे पास, और बी हमारे पास कितना है जी, लगा लो 5। अब मैंने बोला इफ अगर ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, ए वाली या बी वाली। तो डेफिनेटली ए देखो क्या है, 10 है, और बी कितना है, 5 है, तो ए बड़ा है ना बी से, तो फिर ए वाली स्टेटमेंट रन होगी। अब एमसीक्यू उसमें आपने बताना है भाई स्टेटमेंट ए रन होगी, स्टेटमेंट ए या जो भी यहाँ लिखा होगा वो बताना है। यही अगर मैं अब ऐसे करूं, यही अगर मैं ऐसे करूं कि इसको मैं ग्रेटर था ना, अब कर देता हूं मैं इसको लेस देन बी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी कंडीशन रन होगी। अब ये देखो ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये इफ वाली तो गलत होगी स्टेटमेंट, अब ये वाली रन होगी। फिर भी जिसको नहीं समझ आया वो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है, मेरा नंबर है 0306 8 2 1 4 1 4 0, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप पे पूछ लें। फिर भी आपको अगर ये ना समझ आया, इफ एल्स एक बार अगेन मैं आपको ये समझा दूंगा। अब आगे देखते हैं, ये देखो इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर मार्क्स आपके जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो फिर आपका ये शो करेगा, अगर बराबर होंगे तब भी ये शो करेगा, लेकिन अगर एक भी मार्क्स कम होगा तो फिर एल्स पे आ जाएगा। इस तरह से ये पेपर में आपसे वो पूछेंगे। ये भी सेम एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है, लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप आ गए भाई। लूप जो है आपका कितनी बार चलेगा, अब जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा भाई क्या क्या होता है, इसको हम अब अगले लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।